से इकट्ठा करके मुझे 6000 डॉलर दे दिए जा सर्जरी करा के जा. दीस पीपल डिड नॉट नो मी एट ऑल. See, if you are there, the good luck will occur. I want business. If I put myself in front of the client, the business will come. It cannot not come. एक बार ना हो सकती है, दो बार ना हो सकती है, मगर तीसरी बार हाँ मिलेगी. धंधा मिलेगा, काम मिलेगा. The good luck will happen. There's a story of a priest. मंदिर का पुजारी था वो. बहुत सिंसियरली उसने मंदिर में मेहनत की थी. द मनी जो चढ़ावा आता था, ही वुड टेक दैट मनी एंड यू नो यूज इट ओनली फॉर द टेम्पल. थोड़ा अपने खाने पीने के लिए और यू नो फैमिली के निर्वाह के लिए. ही वाज अलाउड टू टेक, ही वाज टेकिंग. अब एक लड़की थी, उसकी शादी का टाइम हो गया, लड़का भी मिल गया, शादी के लिए पैसे नहीं थे. ही स्टार्टेड प्रेइंग टू गॉड, भगवान कुछ मेरी एक लॉटरी निकाल दो या कुछ. 1 लाख का खर्चा है, मुझे 10 लाख की लॉटरी नहीं चाहिए. 1 लाख का प्राइज मुझे जीता. अब एक ही महीना बचा था. ही हैड बीन प्रेइंग फॉर अ ईयर. लॉटरी मिली नहीं थी. वन डे ही गॉट वेरी अपसेट एंड ही वेंटेड टू द टेम्पल एंड यू नो दीवार में जो डायलॉग था ना, ऐसा डायलॉग भगवान नहीं है, मैंने खाली आपकी सेवा की इतना टाइम, आप हो ही नहीं. That, you know, भगवान जरा थोड़े हिल गए, he got upset. तो उसके सपने में आ गया. इसे लॉटरी जीती है ना? Said, yes. टिकट तो खरीद, टिकट तो खरीद. The basic requirement for us to get business is to be present to the client. मैं पहुंचा तो मेरे लिए ये हुआ. मैं गाया ही नहीं होता, नथिंग वुड हैव हैपेंड. नाउ लुक एट व्हाट दैट हंगेरियन इंजन ड्राइवर डिड फॉर मी. नॉट ओनली डिड ही डू दिस ट्रांसप्लांट, ही डिड नॉट चार्ज मी. तो मेरे पास आई हैड दैट मनी विथ विच आई टुक ट्रीटमेंट इन द यूएसए फॉर माय कैंसर. Because my sister was already placed there. She didn't have money. She had gone through a bad divorce. Paisa nahi tha unke paas. But the emotional support that she has given me. Apna koi hota hai toh, you know, you become so much stronger. So, that's the place where my surgery was done in Amarillo, Texas. And I got my vision back. So, an American came to stay inside me. He is still living inside me because this is the cornea of an American. And the funny thing is, when I got into the flight from Dallas to Amarillo, the pilot came up to me and gave me a white thermocol box. He says, are you Dr. John Alpar's patient? I said, yes, I am. So he says, please carefully give it to him. Okay. I gave it to him. It was the eye, which is inter. So I actually carried my eye in my lap. Of course, only the cornea is, you know, this is how the surgery looks. So, upar se wo nikal dete hain and they stitch it. So even right now, I have 32 stitches in this eye. It's a wonderful, wonderful surgery. Just imagine, aap dekh nahi sakte ho aur aap suddenly dekhne lagte ho. So I had a new vision and going around able to see everything. उस जमाने में नो देर यूज़ टू बी वेरी थिक टेलीफोन डायरेक्टरीज. अब तो नहीं होती, बट सो जस्ट फॉर द प्लेजर ऑफ इट आई वुड गो थ्रू द डैलस टेलीफोन डायरेक्टरी बिकॉज आई वाज नाउ एबल टू रीड इट. कितने पटेल हैं, कितने शाह हैं,
क्या क्या नाम है उनके, हाउ मेनी गांधीज आर देयर. आई आस्क्ड माय सिस्टर, आई सेड हैव यू हैड द कार्पेट शैम्पू बिकॉज द कार्पेट लुक सो ब्राइट. Suddenly I could see the women look so beautiful. I could see nice, of course, wonderful. And this cornea last, this one was done later, this was done first, and this one was done like 6-7 years later. Magar iska kharcha maine khud kiya tha. Aur ye, this cornea had come with the blessings of the Rotarians. ये लंबी चली, बट बोथ वेर विद द ब्लेसिंग्स ऑफ डॉक्टर जॉन एल्पर. 10 साल में घिस जानी चाहिए थी, नहीं घिसी, 25 साल चली. यू टू ऑफ कोर्स सी दिस एंड यू टू बिलीव इट. इफ यू डोंट बिलीव इट, दैट एवरीथिंग इज रॉन्ग. मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, दोनों आंख क्यों चली गई, एक ही जाती तो इनफ नहीं था कि दूसरी भी गई, एक बार कैंसर इनफ नहीं था कि दूसरी बार हुआ, दो बार इनफ नहीं था तीसरी बार हुआ. इट्स हाउ यू थिंक एंड हाउ यू लुक एट इट एंड व्हाट हैपेंस टू यू इज नॉट इन योर हैंड्स. वो तो कर्म है आपका, जो भी हमारे साथ होता है इट इज आवर कर्म. इफ यू बिलीव इन कर्म देन यू टू बिलीव दिस. मगर हम जो करते हैं वो हमारे हाथ में होता है, एंड दैट इज न्यू कर्म विच यू आर अनलीशिंग. सो वो जो ट्रीटमेंट बाकी थी, आई नो समहाउ हैड टू गो एंड टेक दैट ट्रीटमेंट. एंडेड अप इन ह्यूस्टन, एमडी एंडरसन हॉस्पिटल. इवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स देयर आर टू नंबर वन कैंसर हॉस्पिटल. One is Memorial Sloan Kettering, जहाँ अभी सोनाली बेंद्रे की ट्रीटमेंट चल रही है. नरगिस वॉज ऑल्सो ट्रीटेड देयर. आई बिलीव सोनिया गांधी वॉज ऑल्सो ट्रीटेड. दैट्स इन न्यूयॉर्क. एंड द अदर वन इज एमडी एंडरसन विच इज इन ह्यूस्टन. सो आई वेंट देयर. माय सिस्टर लिव्ड इन डैलस, शी वॉज वर्किंग देयर, नो वे शी कुड मूव. एक कजिन के वहाँ जाकर रहा, and they took me to the MD Anderson Hospital. And then when they heard कि मेरे साथ क्या हुआ है और क्या क्या करना पड़ेगा, they backed out. They said we can't take responsibility for you. And it's a lot. अब देखिए मजा, one more God in a machine. There is a family, Mr. and Mrs. Desai. Mr. Desai was my mama's best friend. Mrs. Desai was my cousin. And they had four daughters. When I went to Baroda from, you know, we, our families had lost touch. So when I went to Baroda to study, it got revived. And the eldest was Uma Ben, who was married to Hemant Bhai. What is this connection? Actually, no connection. छूट गया था सब. But ऐसे God in the machine ऐसे आते हैं जिंदगी में. Okay? So, my sister spoke to Uma Ber and Hemant Bhai कि आप रखोगे इसको? हाँ कह रहे हैं, यानी I would go and stay with them for 6 months. तो छोटी बात नहीं थी. And that house was full because there were 3 young little ones. उनके बच्चे वो लोग दो थे, plus Uma Ben had 2 of her sisters who had just immigrated to the United States. इतना बड़ा family था. ऊपर से मैं a patient. That is why in the first place we had not told them. They immediately said, "Oh, उसने वहाँ क्यों भेजा उसको? परिमल को उधर भेजा ही क्यों? He should have come here." They were so welcoming. Anyway, this is the song that was playing in the car when they came to pick me up. Ah.
They draw from the body the area where they want to give the radiation. And
then make sure that only that part is irradiated. And in that room, I was totally alone. कोई हो सकता नहीं आपके साथ, रह सकता नहीं कोई, because you are the patient, you have the problem, and it can harm somebody else who is not a patient. But I took advantage of that solitude. Chemotherapy में, you know, मैं there was this उस ज़माने में Walkman start हुआ था. So I borrowed Uma Ben's Walkman. I borrowed her cassettes. बैठे बैठे मेरा favorite music सुनता था. Takes 3 hours, 4 hours. कुछ करने का होता नहीं. In the radiation, I just want to share with you. The treatment lasted 10 minutes. This book is going to come to you, so you can read this. And each time, and that was precious me time. That only me is present, nobody else is present. It was in that room that I decided to extract my priceless life out of each remaining moment and not let it pass unlived. अब ये जो टाइम है इज द मोस्ट प्रेशियस कमोडिटी. हमारे पास सब कुछ है, टाइम नहीं ज्यादा. यू कैन प्रोड्यूस मोर मनी बट यू कैन नॉट प्रोड्यूस मोर टाइम. यू हैव ओनली वन चॉइस. ये जो क्षण है उसको आप जी लो या छूट जाती है. यू नो, टू रिमाइंड माई सेल्फ, आई हैव दिस is a beautiful app. There is this beautiful app called Final Countdown. And in my family, nobody has lived beyond 65 years. I'm already 64. So, मैंने सोचा कि चलो, if I live 70 years, that is good enough. ज्यादा जी लिया तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट. आई एम हैप्पी टू लिव मोर. बट 70 साल तक शायद मैं जीऊंगा, मेरे हाथ में नहीं है, बट प्लानिंग करना चाहिए. राइट नाउ आई हैव 1933 डेज लेफ्ट टिल आई टर्न 70. ओके, 22 आवर्स एंड 2 मिनट्स. बस इतना टाइम है, खेल लो, कर लो जो करना है. यू ऑल्सो हैव अ काउंटडाउन. आई हैव द एडवांटेज ऑफ नोइंग कि भाई जाना है. आप लोगों को मालूम नहीं कि आपको जाना है. सी दैट रियलाइजेशन कम्स. द कैंसर पेशेंट्स ग्रेटेस्ट एडवांटेज इज दैट ही नोज दैट ही इज गोइंग टू डाई. अब मेरे साथ ये हुआ कि मैं बच गया. इतना होने के बाद भी आई एम स्टिल हैप्पी एंड किकिंग. मेरे मरने से पहले मुझे कैंसर मार नहीं सका. इट्स लाइक फॉर यू इट्स रिटायरमेंट. रिटायरमेंट से पहले आप रिटायर नहीं हुए हो. दैट यू हैव टू प्रूव. लॉट ऑफ पीपल रिटायर ऑन डे वन ऑफ द जॉब. चलो भाई नौकरी मिल गई बैंक ऑफ बड़ौदा में या बैंक ऑफ इंडिया में या स्टेट बैंक में, हो गया अपना काम, रिलैक्स. सो इन दिस रूम आई मेड अ नंबर ऑफ डिसीजंस. इट वॉज इन दैट रूम दैट आई डिसाइडेड टू स्टॉप वर्किंग ऑन जॉब्स दैट कुड ओनली हार्नेस अ स्मॉल पार्ट ऑफ माई पोटेंशियल. मैं बहुत छोटी मोटी अलग 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 मैंने नौकरी की हुई है. बट आई डिसाइडेड कि नहीं, फर्स्ट रूपी दैट आई वांट केम आउट ऑफ कंडक्टिंग ट्रेनिंग एंड आई लव इट.
मैं पार्ट टाइम करते ही जा रहा था, देन इन 84-85 ऐसे यही मुझे फुल टाइम करना है. एक क्लाइंट नहीं था मेरे पास. आई वुड नेवर एडवाइस टुडे इफ समबडी केम टू मी फॉर कोचिंग, आई वुड टेल देम टू मेक अ बिजनेस प्लान. मैंने कोई बिजनेस प्लान नहीं किया, भगवान था, ही गेव मी क्लाइंट्स. It was in that room under those healing rays that I decided to take up training as a full-time profession. It was in that room that I decided to travel the world. It was in that room that I decided that I would not let the opinions of others guide my destiny. Hum log bahut, you know, we are very susceptible to what others will think. अगर और लोग क्या सोचेंगे वो हम सोचने लगे तो और लोग क्या सोचेंगे. सो यू कैन नॉट, यू नो, दिस इज ब्यूटिफुल जगजीत गजल व्हेन ही सेज, मेरी कलम पे जमाने की गर्द ऐसी थी कंट्रोल. पोएट इज द फ्रीएस्ट बर्ड दैट यू कैन इमेजिन. द फ्रीएस्ट ह्यूमन बीइंग इज अ पोएट, क्योंकि वो इमेजिनेशन में कहीं भी जा सकता है. मेरी कलम पे जमाने की गर्द ऐसी थी, मैं अपने बारे में कुछ भी ना लिख सका यार. दिस होल बिजनेस ऑफ लाइफ इज अबाउट रियलाइजिंग हु यू आर एंड अनलीशिंग दैट पर्सन. सो मेरी इच्छा थी यूरोप जाने की, पैसा था नहीं, ऑफ कोर्स यू नो दैट, बट मेरे पास आई हैड गॉन फ्रॉम इंडिया विथ समथिंग कॉल्ड अ विजिट यूएसए टिकट. सो आई एंडेड अप विथ कजिन्स इन लॉस एंजलिस. वो लोग मुझे लास वेगस दिखाने ले गए, एंड यू नो दैट्स अ गैम्बलिंग टाउन. तो मैं जुगर खेलने के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं, but they gave me $50 ke chal yahan tak aaya hai, you spend $50, doesn't matter, we don't want it back, enjoy. ab maine 5-5 paise ke sikke nickels, and that's a minimum amount. 1 cent aap dal nahi sakte, unke paas machine nahi hai 1 cent ki, 5 cent ke machine hai hua karte the us zaman. to 5 cent ke coins maine liye aur ek machine ke aage baith gaya. 5 सेंट डाले, ऑन द फर्स्ट 5 सेंट्स आई गॉट $700. दैट्स द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम दैट आई हैव गैम्बल्ड. सी आई एम अ बनिया फ्रॉम अहमदाबाद. सो यू हैव टू लीव व्हेन यू आर अप, राइट, व्हेन यू आर अटेड यू हैव टू लीव. बस आ गए मेरे यूरोप टूर के पैसे, उससे मैंने यूरियल पास खरीदा, ट्रेन पे ही सोता था. आई हैड अ 21 डे जर्नी जिसमें मैंने एक बार खाली आई स्टेड ऑन लैंड, आई शुड से, अदरवाइज आई स्लेप्ट ऑन द ट्रेन. सो आई ट्रैवल अक्रॉस द यूएस, आई यूज द वीएस टिकट, विजिट यूएसए टिकट, द कजिन नेटवर्क, कजिन्स थे, फ्रेंड्स थे, आई वेंट एंड स्टेड विद देम. चाचा थे मेरे, न्यूयॉर्क देखा. आई इंडल्ज्ड माय डिजायर टू ट्रैवल. पर उस टाइम पे क्या था, आई वाज थिंकिंग दैट आई एम गोइंग टू डाई एनी हाउ. ट्रीटमेंट लिया था और भरोसा नहीं था मुझे. सो ऐसे जो भी करना है टिक ऑफ करते जाओ, फिनिश इट. सो गोल्डन गेट भी देखा और आईफिल टावर भी देखा. See, life has to be worth living. आपको बचा लिया, अब कुछ तो करो यार. It's like regional manager बना दिया, कुछ तो करो. I came back to Mumbai after about 11 months. And उस टाइम पे कस्टम्स वाले बहुत परेशान करते थे. सारे बैग खुलवाते थे. देयर वाज नो ग्रीन चैनल, देयर वाज ओनली अ रेड चैनल. सो मेरा सामान उधर पड़ा था,
Saman ki, there is another story. See, from Europe, you are allowed only 20 kilos. From the US, I had come with 72 kilos. And I was 52 kilos excess. At Frankfurt airport, there was this woman behind the counter. Mera saman dekha, she said, sir, you have excess baggage. I said, I know, I do. Uska nameplate maine padha, Schussler. So I said, your name is quite famous in India. She says, in what way? I said, there was a Dr. Schussler who was the father of biochemic medicine, which is still being practiced in India. She says, that gentleman was my uncle, my father's brother. 52 kilos baggage, so nikal gaya muft mein. 52 kilos, just imagine. I mean, I would have had to throw away that material paisa, but tha hi nahi. And on top of it, she gave me an upgrade to business class. Kya zamana tha, kya log milte tha, I'm telling you. Itni stories hai, itne log hai. You know, coming by 2 hours is not enough. Yeah. But also, you are your own God. मैं डेरी करता हूँ तो ये सब आते हैं मदद करें. You cannot depend on 100% on that much God in the machine. You cannot. Right, exactly. आप मिनियन में डालो वो एक जरूर डालेंगे. और कभी कभी आप एक डालोगे तो वो 99 डालेंगे. सो एनी वो कस्टम्स वाला मेरे को पूछता है एनीथिंग टू डिक्लेयर. अब मैं क्या डिक्लेयर करूं, क्या नहीं हुआ था मेरे साथ, कॉर्निया डिक्लेयर करूं, विजन डिक्लेयर करूं, कैंसर चला गया वो डिक्लेयर करूं, डिक्लेयर क्या करूं. ऐसे नहीं सर, मेरे बच्चे के लिए थोड़े टॉयलेट, वो टॉयलेट भी कैसे हुए थे. माय सिस्टर यूज्ड टू वर्क फॉर अ डायमंड मर्चेंट एंड दैट वाज एट अ प्लेस कॉल्ड द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बट इन डैलस. उनके बाजू में एक होलसेल, यू नो दीज वर ऑल होलसेलर्स, तो एक होलसेल हैसब्रो की शॉप थी. बेस्ट टॉयज, मेरा बच्चा था 4 ईयर्स ओल्ड, आई वॉन्टेड टू टेक समथिंग बैक, उसी सब के वहां से ले लेंगे सस्ता पड़े. देन देयर वाज दिस वुमन कॉल्ड लॉरा लियोन, गए हम लोग. देन यू नो शी सॉ हेयर थोड़े चले गए करते करते. सो माई सिस्टर स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग टू हर दैट ही इज undergone cancer, cancer treatment, and is now going back to India. So she says, take what you like. So main kuch chota mota no price tag dekh dekh ke le raha tha. She says, when somebody tells you take what you like, you take everything. So she pulled out a huge garbage bag aur uske andar dalne lagi one of everything. Says, please take all this. I'm allowed to give out samples. These are all samples. Aap le jao. Kya declare karu? I'm telling you, I'm fortunate. Jo main bana hu, jo mere mein confidence hai, is all because of what I have undergone. मैं कैंसर पेशेंट नहीं होता, मेरे साथ ये आईज के प्रॉब्लम नहीं होते, आई वुड नॉट हैव बीन मी.